नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के झिसुपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटकता हुआ विवाहिता का शव मिलने से सांत्वनी फैल गई। मृतिका खुशबू पत्नी रिंकू, जिनकी उम्र लगभग 27 वर्ष बताई जा रही है, उनके दो पुत्र हैं। पहला पुत्र राज उम्र 10 वर्ष और दूसरा पुत्र युवराज उम्र 5 वर्ष। घटना की सूचना जब उसके माता पिता को हुई तो वह मृतिका के गाँव झिसुपुर पहुंचे। बता दें कि मृतिका का मायका ग्राम बाहुद्दीनपुर थाना हंसवर जिला अम्बेडकर नगर है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतिका और उसके पति की मां सगी बहन है। वही मृतिका के मायके वालों का आरोप है कि मृतिका खुशबू के परिजनों ने ही उसकी हत्या की है। फिलहाल मामले की सूचना पाकर पुलिस जांच में जुटी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मृतिका की मां अनिता का कहना है कि मेरी पुत्री की हत्या उसकी सास सुनीता, ससुर राजेंद्र, ज्येष्ठ पिंटू और जेठानी गुड्डी ने मिलकर की गई है। मृतिका की मां का कहना है कि पिछले कई दिनों से उसके परिवार वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करती थी। बीते दिनों विवाद हुआ था तो उसने जायलिक सुबारा की टीम को भी सूचना दिया था, जिसके बाद उसके परिवार वालों ने दबाव बनाकर जबरन सुलह करवा लिया था। वही थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि परिजनों द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सुनाते हैं कि मृतिका की मां ने क्या कुछ कहा। कहां की रहने वाली? बाहुद्दीनपुर अम्बेडकर नगर की। यहां क्या करने आई है आप? अरे लड़की के पास ही कुल लगा था। कौन लगाया है? रिंकू, पिंटू, गुड्डी, राजिंदर। ये लोग कौन हैं? इनके साथ ससुर है, जेठान, जेठ है, सुनीता। इसका पति भी शामिल है उसमें? रिंकू, पिंटू, रिंकू इनके पति के नाम है। अच्छा, पिंटू जेठ है, गुड्डी जेठानी है और राजिंदर जो है ससुर है, सुनीता सास है। ये मिल करके लोग मारे हैं, कल रात में मारे हैं। क्या घटना है मारने की, मतलब क्यों मारे? वो कहे कि एक गाड़ी दे दो और 20 लाख रुपया दे दो, कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो हम दूसरी शादी करेंगे। एक लड़की मांग रहा था। एक लड़की के साथ वो खाना वाना खिला रहा है, उसकी साथ मात भी बात कर रही थी, उससे वीडियो हमारे पास है सर। हाँ, वो दूसरी शादी करेगी, मार के फेंक देंगे, बोलेंगे को तुम्हारी लड़की भाग गई किसी की लेकर के। अब 10 दिन पहले घटना हुई, 100 नंबर पर फोन की, हमारी लड़की बुलवाए, कहे सुलह कर लो नहीं तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। ये सुलह कर ली, इसके बाद ये लोग मार डाले। हाँ, 100 नंबर बुलाई हमारी लड़की, वो 100 नंबर वाले पर फोन करके नंबर भी दे के गए, कोई घटना होगा बताना। काफी देर से प्रताड़ित कर रहे थे? अरे सर, 9 साल से। अच्छा। 9 साल से ये लुधियाना रहती है, भी बुलाए उसकी सास, बुलाई चले आओ चले आओ, ये आ गई, उसकी ननद भी है इसमें शामिल। ना आप लोगों को सूचना मिली? कैसे सूचना मिली? सोचना सर हमको नहीं मिली, हमको जो हमारी बहन बम्बई है वो फोन की कि तुम्हारे लड़की के साथ कुछ हुआ है। हम कहे नहीं, कहे कि अरे बहुत बड़ा घटना हुई, फोन करो, तो फोन लगाए, कहे कि खुशबू फोन दो, तो बोला कि खुशबू है नहीं, किसको दे, कौन सा खुशबू, ऐसा बोला उसका जेठ। अच्छा। हाँ, पिंटू बोला खुशबू है नहीं, कौन सा दीदी बताइए उसके घर में, बोला किसने, कौन सा दीदी। पुलिस से आप क्या चाहती हैं? हमने, हमको न्याय चाहिए, हमारी लड़की जैसे गए वैसे वो भी सब लोग जाए, बस हम कुछ नहीं चाहते, हमको यही चाहिए। हाँ,